प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज आईडियो करने का मेन पर्पज डेट के बारे में, सीनियर अधिवक्ता के बारे में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके एक फाइनल, एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होने वाला है 8 फरवरी का जो डेट शो कर रहा है, उसके बारे में जानकारी देना। सबसे पहले हम डेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो एडवांस लिस्ट आया है 8 फरवरी का, उस लिस्ट में हमारा आपका केस लगा हुआ है, लेकिन अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है और हम आप आशा किए थे कि हर हाल में आज फाइनल लिस्ट आ जाएगा 8 फरवरी का, लेकिन नहीं आया और ऐसा समस्या न्यायालय में आता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आज नहीं तो कल आ जाएगा 7 फरवरी का लिस्ट, क्योंकि आज रजिस्ट्रार बेंच का लिस्ट आया है, कल फाइनल लिस्ट 7 फरवरी का आ जाएगा। शनिवार या सोमवार को 8 फरवरी का फाइनल लिस्ट आ जाएगा, आना तो हर हाल में है सोमवार के पहले, लेकिन हमारे आपके पास समय कम है और जो अवसर मिला है हर हाल में यह सीमित समय में इस अवसर को परिणाम में तब्दील करना होगा, क्योंकि जीवन में हमारे आपके पास ये अवसर नहीं आने वाला है और ऐसा सुनहरा मौका तो आने वाला ही नहीं है। यह तो इस सुनहरे मौका को हम आप गंवा दिए तो सिर्फ पछतावा के सिवाय भविष्य में हमारे आपके पास सोचने का कुछ और नहीं रह जाएगा। इसलिए जो सीमित समय में हमें आपको मंजिल पाना है, हमें अपना भविष्य उज्जवल करना है, वर्दी लेना है, तो हर हाल में एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करना होगा। मंजिल कठिन है, इसमें नो डाउट, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, संघर्ष से बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती गई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों का परिणाम बदला गया है। तो हम आप इस सीमित समय में एक साथ बेहतर पैरवी करेंगे तो हर हाल में हमें आपको वर्दी मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने प्रयास किया है उसमें सफल रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और आगे भी सफल होंगे एक बेहतर रणनीति के साथ प्रयास किया गया तो डेट को लेके जो आशा था वो आज फाइनल लिस्ट नहीं आया 8 फरवरी का, आज 7 फरवरी का रजिस्ट्रार बेंच का आया है, कल फाइनल लिस्ट 7 फरवरी का आएगा, शनिवार शाम तक आ जाएगा या सोमवार को आना कंफर्म है, ये डेट को लेकर है। लेकिन अभी भी जो आशा है कि इस बार हमारा आपका डेट कटेगा नहीं, रांगली होके आगे नहीं जाएगा, इस बार हमारा आपका केस लिस्ट में रहेगा। तो जब हमारा आपका केस लिस्ट में रहेगा तो आर्गुमेंट होना फाइनल है। उसका मेन कारण है कि जब केस लगता है तो जज साहब उस फाइल को पढ़ के आते हैं, क्योंकि इस केस में इतने रीटे कनेक्ट हो चुके हैं कि बहुत बेहतर तरीके से जज साहब इस केस को समझ चुके हैं और जान चुके हैं, तो फाइनल आर्गुमेंट होना कंफर्म है। और हम आप ये तो एक बेहतर तैयारी से नहीं जाते हैं तो इस अवसर का लाभ स्टेट उठा लेगा, सरकार उठा लेगा, इसलिए हमें आपको सब कुछ छोड़ के एक बेहतर तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। डेट आगे पीछे जो भी है वो देखा जाएगा, जैसा स्थिति परिस्थिति आएगा वैसा हम कार्य करेंगे, निपटेंगे, लेकिन हमारी तैयारी पहले से एक रणनीतिक तौर पे बेहतर होना चाहिए।
अब डेट के बारे में बता दिया गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो अधिवक्ता को लेके, जो मेरा मानना है तमाम लीडर हैं, कोई जरूरी नहीं है सबसे बड़े बुद्धिमान हम ही हैं, तमाम लीडर हैं, हर लीडर का अलग अलग सोच होता है, लेकिन जो मेरा मानना है ये केस ऐसा स्थिति पे आ चुका है कि यहां से हम लोग वर्दी पा सकते हैं और जतो बेहतर प्रयास नहीं हुआ तो परिणाम हमारे विपक्ष भी जा सकता है और बेहतर परिणाम के लिए हमें बड़े से बड़े अधिवक्ता को हायर करना होगा। और जहां तक प्रेजेंट टाइम मेरे अनुभव के अनुसार और एवार से राय विमर्श करने के बाद सर्विस मैटर में और तमाम मैटर में तमाम अधिवक्ता हैं, जैसे कंपनी मैटर या क्रिमिनल मैटर, अन्य मैटर में तमाम अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जहां तक सर्विस मैटर की बात है उसमें रंजीत कुमार, मुकुल रोहतगी, हरीश सालवे ऐसे तमाम बड़े चेहरा हैं। इन्हीं चेहरों में से हमारे केस में फाइनल आर्गुमेंट में रहना अति आवश्यक है। तो अभी तक आज मुकुल रोहतगी के चैंबर से हमारे एवार से बात भी हुआ है और रंजीत कुमार के चैंबर से तो लगातार वार्ता होता है। तो आप मेन चीज अधिवक्ता जो हैं वो रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी में से, खासकर मेरे तरफ से संघर्षशील टीम की तरफ से जरूर हायर होंगे। हमारे जितने भी याची भाई बहन उनका साथ और सहयोग रहा तो रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी में से एक अधिवक्ता रहेंगे, लेकिन रंजीत कुमार भी एक बेहतर अधिवक्ता हैं, इसमें नो डाउट। इन्हीं के वजह से हमारा आपका रीट एक्सेप्ट हुआ था और आज हम लोग फाइनल बहस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रंजीत कुमार जी का, जो सोलिस्टर आप जनरल रह चुके हैं भारत सरकार के तरफ से, भाजपा के तरफ से, आज उन्हीं का दिन है और उनसे हम कह सकते हैं कि 10 ये तो रंजीत कुमार को 9 समझे तो मुकुल रोहतगी 10 हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल भाजपा सरकार में ही रह चुके हैं मुकुल रोहतगी और इस समय बहुत बड़े चेहरा हैं। जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि पुलिस मैटर या कोई भर्ती को रिलेटेड शायद कोई अभी तक मुकुल रोहतगी को हायर नहीं कर पाया है, आज तक का जो मेरे पास अनुभव है उस हिसाब से। तो मुकुल रोहतगी एक बहुत बड़े चेहरा हैं, अटॉर्नी जनरल। तो आप लोगों का साथ और सहयोग रहा, स्थिति के अनुसार हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मुकुल रोहतगी पर। जब तो आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो स्थिति जैसा बनता है वैसा कार्य किया जाएगा, जो अवसर है इसे गंवाया नहीं जाएगा, क्योंकि खुद हमारे भी भविष्य का बात है और आपके भी भविष्य का बात है। तो इसलिए रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी में से एक अधिवक्ता को चुनना है और उसमें सबसे ज्यादा मुकुल रोहतगी पे ही फोकस किया जाएगा, जो तो हमें चयन करना पड़ेगा फाइनल आर्गुमेंट के लिए। आपको अधिवक्ता के बारे में बता दिया गया, अब रही बात फाइनल आर्गुमेंट तैयारी के बारे में। हमारे पास जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो इस केस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें सबसे पहले तो मैं इस केस को बचाने के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा, खुद राजकुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा जो फर्स्ट काउंटर दिया गया था 2019 में, उससे इस केस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी तक का जो सर्वे किया गया है, खासकर 2015 में, क्योंकि उसमें सब कुछ डिटेल दिया गया है कि 15 मई को कितना कटाव था, 21 मई को क्या हुआ, कितना कटाव हुआ,
23 मई को क्या हुआ, किसका कितना कटाफ हुआ, रनिंग से लेके रनिंग में कितने अभ्यर्थी आए, कितना मेरिट था, और उसके लास्ट में उसमें सारी चीज क्लियर किया गया है कि जो मेडिकल अब्सेंट या कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटें हैं वो फ्यूचर सिलेक्शन, ये भविष्य के लिए है। और 2018 का रिजल्ट डिक्लियर हो चुका है, मतलब ये सारी बातें उसमें स्पष्ट हैं कि कोई भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो ये हमारे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो रहेगा, और तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो बताना वाजिब नहीं है। 5 से 6 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कलेक्ट कर लिए गए हैं, तैयारी पूरी है, पूरा जान लगा दिया जाएगा। बाकी अब केस के बारे में रोज डिटेल बताना कोई उचित नहीं है, हर हाल में हमें पूरा आशा है सब लीडर अपना अपना तैयारी कर रहे होंगे अपने विवेक के अनुसार। जो मेरा 2-3 साल का अनुभव है वो भी हम भी अपने तरफ से पूरी तैयारी में हैं, और एक बेहतर पैरवी किया जाएगा एक सीनियर मुकुल रोहतगी या रंजीत कुमार जैसे अधिवक्ता को हायर करके। तो केस को लेके कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं बरता जाएगा। डेट को लेके भी बता दिया गया, जो अवसर है सीमित समय का है, इसमें हर हाल हमको ही लाभ लेना है। जब तो हम कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही करते हैं सीनियर को लेके या केस को लेके, तो जरूर स्टेट या सरकार इसका लाभ उठा लेगा, और हम लोग फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के। तो पूरी ताकत सबको पूरी ईमानदारी के साथ झोंक देना है, ऐसा अवसर शायद कभी नहीं मिलेगा कि एक डेट से दो डेट बहस और हमें आपको वर्दी। तो पूरी ताकत लगा देना है। अब तीसरी और चौथा और लास्ट पॉइंट, अभी तक मेरे द्वारा रिट डलवाने के लिए एसएलपी डलवाने के लिए 1500 फीस लगाया गया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थी 1000 दिए, कुछ 1500 दिए, कुछ 800 दिए, कुछ 500 दिए। उसके बाद फिर 600-700 मांगा गया था, उसमें बहुत कम सीमित अभ्यर्थी पैसा दिए थे। आज तक उन्हीं पैसों से एक बार रंजीत कुमार को हायर किया गया, एक बार मखीजा मैडम को जब डायरी नंबर 22-797 का केस लगा हुआ था, 1,00,000 रुपया दिया गया था, और उसमें 50,000 विपुल जी दिए थे, उनका भी केस साथ में लगा था। दोबारा 25,833 का जब हमारा केस लगा, उस समय हम अकेले हायर किए थे, जिसमें 1,50,000 फीस दिए। सिंगल बेंच में 30,000 एवार को दिया गया, काउंटर छूटे हुए अभ्यर्थियों का भी याचिका दाखिल आइए दाखिल करवा दिया गया। तो सारे चीज अभी तक जो खर्च हुए, काउंटर लखनऊ से भेजवाना, क्योंकि अपना भी काउंटर भेजवाया गया, 2-3 बार लखनऊ गया जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, मतलब अभी तक जो भी केस में पैरवी हुआ है, जो पैसा आया था उन्हीं से खर्च हुआ है। उसके बाद आज तक हमारे पास 30,000 रुपया अभी भी सेफ बचे हुए हैं। मैंने आपका एक भी पैसा, मैं हनुमान स्वामी तो नहीं हूं कि दिल फाड़ के दिखा दूं, लेकिन इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं, आपका एक भी पैसा अनावश्यक नहीं खर्च किया हूं। मैंने आपसे बार बार पैसा भी नहीं मांगा हूं, बहुत कम पैसे में और सबसे पहले कार्य आपका मैंने करवाया है, पूरी कोशिश किया है। बाकी जस अपजस परिणाम तो ईश्वर के ऊपर में है, लेकिन कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरता गया है केस को लेके। जहां तक संभव हुआ है बेहतर प्रयास किया गया है, और आपसे गलत पैसा नहीं लिया गया है। ठीक, तो आज तक जितना भी पैसा खर्च होने के बाद हमारे पास 30,000 रुपया पेमेंट बचा हुआ है, अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं, जब तो हम रंजीत कुमार को हायर करते हैं तो इनका फाइनल आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि 7.5 लाख रुपया दिए थे फर्स्ट हेयरिंग में,
तो मिनिमम कम से कम 8 लाख तक ले सकते हैं, और एवार का भी फीस 20 से 25 हजार होगा ब्रीफिंग का, तो 8 से 8.25 तक खर्च जाएगा। मुकुल रोहतगी को हायर करते हैं, जहां तक अभी शुरुआती जानकारी मिला है 11 से लेकर 13 लाख के बीच में उनका फीस होगा, प्लस 20 से 25 हजार 30 हजार एवार का ब्रीफ करने का फीस होगा। इससे छोटे अधिवक्ता तमाम अधिवक्ता हैं जिन्हें हायर करना कोई उचित नहीं होगा, एक पैसा बर्बाद करना होगा। वैसे तो 50 हजार से स्टार्ट हो जाते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता, तो भीड़ लगाने से हम आप केस नहीं जीतेंगे। हम आप केस जीतेंगे एक बड़ा चेहरा के साथ, जब तो हम जाएंगे फाइनल आर्गुमेंट में, तभी हमें आपको कामयाबी मिलेगा। बाकी और हम किसी पे टीपा टपड़ी करना नहीं चाहते हैं। हां, ये सबके भविष्य का सवाल है, और ये अवसर ऐसा है कि हमें आपको वर्दी मिल सकता है, इसमें नो डाउट। और जहां तक मेरा अनुभव है, सर्वोच्च न्यायालय कभी पेटिशनर के विपक्ष में नहीं गया है, याचिकर्ता के विपक्ष में नहीं गया है। हम हर हाल में कामयाब होंगे, बस एक बेहतर प्रयास की जरूरत है। 1 से 2 बहस चलेगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बहस चलने वाला नहीं है। सबकी समस्या एक है, मेडिकल में बची हुई या मेडिकल अब्सेंट या कैरेक्टर वेरिफिकेशन में बची हुई 3528 सीट में ही हमको वर्दी मिलना है, और यही समस्या सबका है। इसी से बचा हुआ सीट ही सबको मिलने वाला है। और बहुत सिंपल से बात है, इस पे रूल पे बहस होगा, रूल 15G, रूल 15F या रूल 15E, जो ऑलरेडी डिवीजन बेंच ने अलाउ किया है। ऐसी समस्या आ सकता है, उसके लिए पहले से ही हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा कोई बहस नहीं होगा। और रही बात कैरी फॉरवर्ड का, तो कोई समस्या ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी हुआ ही नहीं है, तो उसकी बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। मोटा मोटा चीज पे बहस होना है, 1 से 2 घंटा 3 घंटा बहस चलेगा, और 100% आप मानिए केस फाइनल हो जाएगा, और इसमें बड़े से बड़े चेहरा का रहना अति आवश्यक होगा, क्योंकि रूल पे बहस करने के लिए विद्वान की जरूरत होगा, और इसमें बड़े सीनियर की जरूरत होगा। यहां आपको यह नहीं बताना है 15 मई को यह कटाव था, 21 मई को यह कटाव था, 23 जनवरी को यह कटाव था, ओबीसी के 48 सीट ले गए उस दिन चयन किए गए, यह सब जर्नली चीज है, आपके ड्राफ्टिंग में है, यह हर जगह है, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब निकलने वाला नहीं है। यह तो हम हाईकोर्ट से ही रटते हुए आ रहे हैं। यहां जो बहस होगा वो रूल 15G, रूल 15F और रूल 15E पे ही होगा। इसे अल्ट्रा वायरस घोषित करना ही होगा, तभी जाके याचिकर्ता को लाभ मिलेगा, और इसके लिए विद्वान की जरूरत है मेरे भाई। अब जो मेरे पास जानकारी था, जो नॉलेज था, आप मुझे या तो इस पद पे बनाए रखे हैं, तो मेरा कार्य था कि आपको सही जानकारी देना, और आज तक मैं किसी के साथ गलत नहीं किया हूं। जितने भी हमारे याची भाई बहन संघर्षशील और मुझसे जुड़े थे, सबका मैंने रीट डलवा दिया, और जो बचे हुए अभ्यर्थी थे आज उनका भी मैंने आईए दाखिल करवा दिया। किसी का भी नाम छुटा नहीं है, किसी भी भाई के साथ गलत नहीं हुआ है, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि कम से कम पैसे में सबका कार्य करवा दिया। अब जो मेन चीजें हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जो तो सोमवार को लिस्ट आता है फाइनल, और आ जाता है हमारा केस लग जाता है, तो 4 घंटे में हम 10 से 12 लाख का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे हाथ से या तो केस चला जाएगा, या तो गिड़गिड़ाते हुए हमें डेट लेना पड़ेगा, और दोनों दशा में हमारा आपका नुकसान होगा। हम आप कोशिश करें कि कम समय में एक केस फाइनल हो, ऑर्डर रिजर्व हो, और 20 से 25 दिन में ऑर्डर ओपन हो, जिससे आगे कार्य हमारा बढ़ सके और हमें जीटीसी पे जाने का मौका जल्द से जल्द मिले। आज कल सुबह से
जितने भी हमारे याची भाई 1700 से अधिक हमारे पास पेटिशनर हैं, संघर्षशील टीम से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। सभी भाइयों से ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, अभी तक आपने 1000 दिया, 1500 दिया, 2000 दिया, 500 दिया, 800 दिया, वो सब चलने वाली बात थी, आज तक आपका कार्य हमने करवा दिया। लेकिन आज का जो स्थिति है, यहां कोई भी अभ्यर्थी ये सोचे कि हम नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे, वास्तव में हम आपका कुछ नहीं करेंगे और ना कुछ करेंगे आपके साथ, आपका नाम भी हम नहीं कटवाएंगे, लेकिन आपका जरा सा गलती आप अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ करेंगे। आपका 1000 का योगदान बड़ा अधिवक्ता खड़ा करने में हम काम करेगा, और वो बड़ा अधिवक्ता आपको नौकरी दिलाने में, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में काम करेगा। तो आपको अपने भविष्य को लेके सतर्क रहना होगा, और 3 से 4 दिन का जो समय है आप सहयोग दीजिए, आपका एक भी पैसा बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और खुद के काम में ना लगाया जाएगा, आपके भविष्य के लिए अधिवक्ता को खड़ा करने में किया जाएगा, और ऐसा मौका, ऐसा अवसर भविष्य में कभी नहीं आएगा। तो लास्ट बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और बार बार मैं आपसे कह भी नहीं पाऊंगा कि आप पैसा दो, ये करो वो करो, क्योंकि इतना समय नहीं होगा, केस के लेके, डॉक्यूमेंट को लेके हम व्यस्त रहेंगे। तो कल सुबह से सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि 1000 रुपया 2 से 3 दिनों में व्यवस्था करके आपको कल सुबह अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और सिर्फ उसी अकाउंट नंबर में आपको पैसा डालना होगा, क्योंकि तमाम ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको बरगला के कुछ पैसा लेना चाहेंगे, लेकिन किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। जब तो आपसे कोई बरगला के पैसा मांग रहा है तो उसकी जानकारी ग्रुप में दीजिए, या मुझे फोन करके या मैसेज करके दीजिए। आपका 1-2 रुपया या 10 रुपया अनावश्यक नहीं खर्च होने दिया जाएगा, और जब तो कोई आपका पैसा ले लेगा तो वो पर्सनल जिंदगी के लिए, यूज के लिए लेगा। जब तो आप टीम में दोगे तो आपके भविष्य के लिए खर्च किया जाएगा, बड़े से बड़े अधिवक्ता हायर करने में खर्च किया जाएगा। तो कोई किसी को भी 1 रुपया देने की आपको जरूरत नहीं है। जब तो आपसे कोई मांगता है तो जरूर जानकारी दीजिए। आपको सुबह अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर और अकाउंट नंबर। आप उसका स्लिप ईमानदारी के साथ, और कितने सीरियल नंबर पे आपका नाम है, नाम और पिता का नाम लिख के, और शॉर्ट स्क्रीन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप 9454-2686-86 पे आपको भेजना होगा। कोई समस्या होता है तो आप कॉल करेंगे 6386-3417-96 पे। ज्यादा आप फोन ना करिएगा, व्यस्तता ज्यादा रहेगा। तो कल सुबह आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समय कम है, इस सीमित समय में हमें तैयार होना होगा 8 फरवरी के लिए, और बड़े अधिवक्ता को हायर करना ही होगा। 1000 रुपया सभी अभ्यर्थियों को देना है, और कल से आप लोग देना प्रारंभ कर दीजिए। कल सुबह अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी मैं लास्ट में और एक बात बताना चाहता हूं, किसी को भी मेरे नाम से या टीम के नाम से कोई पैसा मांगता है तो किसी को भी आपको देने की जरूरत नहीं है। कल सुबह अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। आगे जो भी जानकारी होगा आपको तत्काल दिया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा आपके जानकारी में किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।